Knowledge Park The Creative School. Design your dream. KBN Aisha PUP Decorator. Sayed Steel Furniture. मैं कुतुबुद्दीन, आप देख रहे हैं BK News. तिप्रांत IB2 सस्तापुर बंगला डिवाइडर सेंटर लाइट की ओपनिंग की गई. इस मौके पर बी नारायण राव MLA बसो कल्याण, मीर अजहर अली नवरंग CMC प्रेसिडेंट बसो कल्याण, ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार असिस्टेंट कमिश्नर बसो कल्याण, तालुका पंचायत EO मडवीडप्पा PS, PWD AEE जगन्नाथ मजगे सर के अलावा बसो कल्याण के ऑफिसर्स और कई लोग मौजूद रहे. अंदर दोनों को ताली सर, थोड़ा वो पीछे लेट नहीं आ रहा सर. ओके सर. इस मौके पर बी नारायण राव MLA बसु कल्याण ने मीर अजहर अली नवरंग CMC प्रेसिडेंट, ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार असिस्टेंट कमिश्नर PWD डिपार्टमेंट को मुबारकबाद पेश की और शुक्रिया अदा किया. बंगले से लेकर तिप्रान तक बिजली का व्यवस्था करने के लिए लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे. आज बसु कल्याण आवाम के लिए खुशी का दिन है. आज हमारे नगर सभा के अध्यक्ष मीर अजहर अली नवरंग साहब, हमारे सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र गंगवार साहब और हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नरसेट्टी साहब, रईस साहब और सारे हमारे साथी लोग और पूरे ऑफिशियल्स मिलकर आज इसका इनॉग्रेशन करें. ये काम बहुत दिनों से पेंडिंग था. इसके लिए हमारे PWD डिपार्टमेंट के AEE जगन्नाथ मजगे साहब, उनके पूरे साथी और हमारे AC साहब ज्ञानेंद्र गंगवार साहब ज़्यादा ध्यान देकर इसको तुरंत काम कराने में वो लोग कामयाब हो गए. आज बसो कल्याण 8-9 महीने पहले जो था, हर 31 वार्ड में हालात बदल रहा है. सारे डेवलपमेंट काम तेजी से चल रहे और ये लाइट का व्यवस्था होने से जो एक्सीडेंट हो रहे थे, ये रोड पे डेली एक एक्सीडेंट होता था अंधेरा रहने से. अभी एक्सीडेंट से हमारे लोग, उनकी माँ जान और माल बचने का कोशिश हमने पूरा किया है. और ये बिजली से रात में मुंबई और हैदराबाद से लोग रात के 1 बजे 2 बजे 3 बजे यहाँ पर बंगले पे उतरते और सिटी में जाने के लिए बहुत दिक्कत था, लाइट का व्यवस्था नहीं था. आज के बिजली का व्यवस्था होने से और अंधेरा रहने से कुछ लोग अकेले में कोई जा रहे तो उनको थोड़ा तकलीफ भी था, वो तकलीफ से दूर करे हैं. इसलिए मैं सारे ऑफिशियल्स को, खास तौर पर हमारे असिस्टेंट कमिश्नर ज्ञानेंद्र गंगवार साहब को और हमारे PWD के जगन्नाथ मजगे साहब को और नगर सभा के अध्यक्ष हमारे मीर अजहर अली नवरंग साहब, सुरेश कमिश्नर, सभी को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. तो अंधकार में कोई जाना नहीं चाहेगा. जो भी अगर हाईवे पे जा रहा होगा हैदराबाद से या बॉम्बे, बॉम्बे से हैदराबाद, तो जब वो देखेगा कि अंधेरा है सिटी में, तो कौन आना चाहेगा. जिसको हम टूरिस्ट नाम से अगर प्रमोट भी करेंगे इंटरनेशनल टूरिस्ट, तो टूरिस्ट ऐसा नहीं कि रात में सोने के लिए आता है, वो रात में घूमने के लिए भी आता है. इधर देखेगा तो सबसे पहले वो अंधकार को हटाना, जो स्पेशली जो एंट्री रोड है. तो जब मैं बार बार जब आता हूँ इधर से, तो मैं यही देखता हूँ कि लाइट कब जलेगी कब जलेगी. तो मैंने पूरा PWD को बुलाया, फिर इनको जेस्कॉम से इशू था इनका. तो मेरा काम था, जैसे साहब का काम था फंड लाना, मेरा काम था इनको सबको बिठा के एक जगह टेबल पर कोऑर्डिनेट करना, कहाँ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना. तो बस लास्ट वीक से ही स्टार्ट हुआ था, शायद सैटरडे या फ्राइडे से. 1 वीक में ये पूरा लाइट जल गया आज. तो ऐसे ही जहाँ जहाँ कोऑर्डिनेशन का काम है वो मेरा पूरा है, और जहाँ नए नए जहाँ आइडियाज़ हैं, जहाँ नए और टूरिस्ट को बेसिकली इजी हो, और टूरिज्म के नाम से बेसिकली जो लोग आए हैं, तो सबसे पहले हम उनको बेसिक फैसिलिटी है, जैसे लाइट है, रोड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और अभी टूरिस्ट सेंटर की भी जहाँ इन्फॉर्मेशन एक जगह मिल जाए. अभी हम होर्डिंग की भी बात कर रहे हैं रोड पर, तो अभी जब हाईवे है तो वहाँ कोई होर्डिंग नहीं है, बड़ा डिजिटल डिस्प्ले नहीं है, तो लोगों को मालूम नहीं पड़ता बस वगैरह कब निकल गया. तो वहाँ अगर मालूम पड़ेगा कि इसमें फोर्ट है, इसमें ये अनुभव मंडप है, इसमें महात्मा विश्वेश्वर का स्टैचू है, देखने लायक अगर चीज़ें अगर हम बताएंगे, डिस्प्ले नहीं करेंगे तो लोग आएंगे नहीं. तो पहले उनको अट्रैक्ट करना है,
तो ये बेसिक नीड्स को अभी पूरा कर रहे हैं, फिर अट्रैक्ट भी उनको टूरिस्ट को करेंगे, फिर बाद में इस तरह से धीरे धीरे प्रमोट करने का ये आइडिया है। ये लाइट चालू हो गई है, आपको बता दिए हम सिरसी की वजह देखने के बाद ये डी डोर का दिमाग में आया हमारे, सिरसी में जब हम एक महीने तो ये रहने के बाद आया। अब ये क्या है, साफ तो लाइट तो अभी चालू हुई, जिम्मेदारी म्यूनसिपालिटी की और बढ़ गई। क्यों? कि इतनी बढ़ गई कि हर वक्त देखते रहना पड़ेगा।